भैया वीडियो शुरू करने से पहले आपसे ना दो बातें करना चाहूंगा। पहली बात है, बात नहीं शर्त है कि अगर आप नॉन गेस्ट टीचर हैं, यानी कि गेस्ट टीचर नहीं हैं, आप घर बैठकर तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मत देखना, क्योंकि आपके काम की नहीं है। हो सकता है आपको वीडियो देखने के बाद बहुत बुरा लग सकता है, एक झटका सा लग सकता है, तो इस वीडियो को आप यहीं रोक दें। और दूसरी बात, अगर आप गेस्ट टीचर हैं, चाहे वर्किंग हैं, चाहे रिलीव्ड हैं, चाहे किसी भी तरह के गेस्ट टीचर हैं, तो इस वीडियो को छोड़ना मत, पूरा देखना, पूरा समझना इस वीडियो को। और अगर आपको समझ में आए, अच्छी लगे, भैया अच्छी लगेगी क्योंकि मैं बात ही ऐसी करूंगा गेस्ट टीचर्स को लेकर के, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना और आगे तक पहुंचाना इस वीडियो को। कुछ और भी सुझाव आपको ऐड करने हो, जो मैं बोलूं उस बात से भी सहमत हो, तब भी आप कमेंट करना, और एक्स्ट्रा कुछ जोड़ना हो तो भी आप कमेंट जरूर करना। पहली बात देखो दोस्तों, DSSB ने वैकेंसी निकाल दी है, ये तो आपको पता लग ही गया होगा। कल से जो है भरनी भी स्टार्ट हो गई है, और कुछ जो है आगे भरी जाएंगी PGTs की, तो वो स्टार्ट हो गया प्रोसेस। कुछ ही दिन में TGT की भी आ जाएंगी, अभी TGT की नहीं आई तो कुछ ही मतलब दिन में आ जाएंगी, हफ्ता दो चार हफ्ता एक महीने के अंदर में आ जाएंगी। चलो बहुत अच्छी बात है कि भैया 2020 में शुरुआत हो गई है और वैकेंसी की, सब चाहते हैं वैकेंसी आए, जॉब ले। अब यहाँ पर बात यह है कि भैया गेस्ट टीचर को लेकर के एक बात आपने पॉजिटिव देखी होगी, एज रिलैक्सेशन को लेकर के, मतलब उनको छूट है 5 साल की, और छूट के लिए थोड़ा सा क्राइटेरिया इन्होंने रखा है कि अगर आपको 1 साल की छूट चाहिए तो आपको 120 दिन होने चाहिए सेशन के, मतलब एक वर्किंग ईयर के, पूरा समझना, क्योंकि सिर्फ मैं डेज की बात नहीं कर रहा हूँ, लंबी वीडियो है, थोड़ी सी लंबी जरूर हो जाएगी, बोरिंग नहीं होगी, लेकिन काम की बहुत है। तो एक सेशन, अगर आप 1 साल की छूट चाहिए तो एक सेशन में 120 दिन होने चाहिए। काफी सारे दोस्त करेंगे 120 तो बनती ही नहीं है, वैसे बन भी जाएंगे नहीं भी बनेंगे वो पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है कब से ज्वाइनिंग हुई है। अगर आपको 2 साल की चाहिए तो आपको 120 और 120 इस तरह से आप जोड़ते जाएंगे, 5 साल तक छूट है। अब मुझे समझ ये नहीं आया कि ये छूट जो है क्यों दी होगी, किसके माइंड में आया होगा ये छूट देने की बात, गेस्ट टीचर को छूट, मतलब अच्छा लगा कि कोई गेस्ट टीचर के बारे में सोच रहा। अगर किसी एसोसिएशन ने, गेस्ट टीचर के एसोसिएशन ने बात रखी है, तो सैल्यूट करता हूं मैं उन एसोसिएशन के लीडर को जिन्होंने ये बात रखी है। अगर ये बात कोर्ट एक्सेप्ट करता है तो यार कोर्ट को तो भैया बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये पॉलिटिकल लीडर ने रखी है तो भैया आपके चरण देखना चाहता हूं मैं कहां है, क्योंकि आपने गेस्ट टीचर के बारे में कुछ सोचा है। तो ये तो बात है कि इन्होंने सोचा, आखिर क्यों आया होगा मन में। और अगर पॉलिटिकल लीडर, माइंड में डाउट चल रहा है, अगर पॉलिटिकल लीडर कुछ अच्छा चाह रहे होते तो ये सिर्फ एज ही क्यों देते, ये डायरेक्टली परमानेंट कर सकते थे, ये चाहे तो 58 साल की या मतलब फिक्स कर सकते थे, जो भी कुछ मतलब पॉलिसी है उसको बना सकते थे, लेकिन आखिर क्यों इनके मन में आया होगा। और एक और बात ये है, क्योंकि भैया हम मतलब आपस में क्या गेस्ट टीचर हैं, तो मैं ये बात आराम से रख सकता हूं, क्योंकि कोई भी नॉन गेस्ट टीचर नहीं है। तो ये मान के चलो कि जैसे ही परमानेंट की बात आती है, जैसे ही यहाँ पर धरने की बात आती है, जैसे ही यहाँ पर उसकी बात आती है फिक्स की 58 साल की पॉलिसी की, तो जो बाहर बैठे हुए हैं ना, मतलब जो तैयारी कर रहे हैं, वो जो एक्टिव हो जाते हैं। यार एक्टिव होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक ही घर में अगर दो लोगों में, दो बच्चों में अगर अंतर किया जाए ना, एक को खाना दे दिया, एक को नहीं दे दिया, एक को मारा जाए पीटा जाए, तो ये बात है कि मारने पीटने वाला आगे आएगा, अच्छी बात है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया कि अभी एज रिलैक्सेशन की बात आई तो ना कोर्ट आगे आया, ना अग्रवाल जी आगे आए हैं, ना ही कोचिंग वाले आगे आए हैं, और ना ही फ्रेशर आगे आए हैं। भाई क्यों नहीं आए, छूट मिली है तो आना चाहिए ना, इनको विरोध करना चाहिए, लेकिन किसी ने भी नहीं किया विरोध। दूसरी बात, जब जो है 60 साल के बाद 2 साल और बढ़ाया जाता परमानेंट को, तब भी कोई आवाज नहीं उठाई जाती, भाई 2 साल में अगर उनको बढ़ाया जाता उस दौरान काफी सारी वैकेंसी निकल सकती है, लेकिन कोई विरोध नहीं करने आता। अभी देखा आपने कुछ टाइम पहले कि परमानेंट जो 62 साल के बाद 65 है 70 है, उनको लिया गया था एज ए मतलब गेस्ट टीचर के रूप में, कि भाई उनको लिया जाएगा, तब कोई आगे नहीं आया कि भैया 60 साल हो गए हैं, अब क्यों ले रहे हो यार। एक टाइम उनका, उनको कह दिया कि 60 साल के बाद, अब मानते हैं कि वो उस मतलब पढ़ाने के लेवल के नहीं है, हालांकि ये तोल नहीं सकते, कोई भी कभी भी एलिजिबल है, पढ़ा सकता है, बट एक तरह से 60 साल, तब कोई एक्टिव नहीं हुआ। लेकिन यार जब गेस्ट टीचर को परमानेंट करने को लेकर के बात आती है ना, सारे एक्टिव हो जाते हैं, सारे जो है विरोध करने लग जाते हैं, सोशल मीडिया पर देखो, चाहे आप कोर्ट से लेकर के देखो, जहां मर्जी सब एक्टिव हो जाते हैं। भैया ऐसा क्यों होता है, आप ये लोग ऐसे क्यों करते हैं। सच बात तो ये है कि हम अपनी बात नहीं रख पाते हैं। देखो हम लोग गेस्ट टीचर जो है वो सारी एलिजिबिलिटी, सारे रूल फॉलो किए हैं। पहली बात तो ये है कि RR रूल को फॉलो किया है, जो कि परमानेंट जॉब में चाहिए वो फुलफिल है। दूसरा है आपका कि कैटेगरी वाइज भी ज्वाइनिंग है, या SC ST OBC जनरल जितनी पोस्ट है उसके ही अकॉर्डिंग ज्वाइनिंग हुई है, तो ठीक है, दो दो है। तीसरी है भैया ऐसा है कि अदर स्टेट की तरह हम जो है 10वीं 8वीं पास तो नहीं है, सारे जो है डिग्री होल्डर हैं, मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो BEd है ही है, यहां तक कि लोग बस MPhil PhD और डॉक्टर की बड़ी बड़ी डिग्रियां सबके पास है, मतलब मैक्सिमम लोगों के पास है।
तो यार जब ये भी क्लियर है, वो भी क्लियर है, ये भी क्लियर है, तो तीसरी बात, अगर डिपार्टमेंट के पास, अगर डिपार्टमेंट के माइंड में, पॉलिटिक्स लीडर के माइंड में, कोर्ट के माइंड में ये बात आई कि भाई एज की छूट दे देनी चाहिए, तो यार ये बात क्यों नहीं आई कि जो बंदा, जो गेस्ट टीचर इतने सालों से अपनी सेवा को दे रहा है, आपको ये लगा कि उसे एज की छूट दे देनी चाहिए? क्या उसको नंबर की छूट नहीं देनी चाहिए? भैया माना कि एक ही जॉब है, उसके लिए दो अलग अलग टेस्ट नहीं हो सकते, लेकिन अगर आप एज में आप फर्क कर दिया आपने, अच्छी बात है, गलत नहीं कहेंगे इसे, तो आप जो है नंबर को क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि एक फ्रेशर जो घर बैठा हुआ है 10 12 15 घंटे तैयारी कर रहा है, उसकी जगह अगर कोई नौकरी करने के बाद, ये नहीं कि मैं नौकरी क्यों कर रहे हैं, ये कोई ये कुतर्क हो जाएगा कि आप नौकरी क्यों कर रहे हो, आप भी घर बैठो भाई, ये तो कोई बात नहीं है ना कि घर बैठने वाली बात नहीं है, लेकिन जो काम कर रहा है वो अपनी सेवा पूरी दे रहा है, स्कूल में पढ़ा रहा है, यहाँ तक कि घर में भी स्कूल का ही काम लिया होता है, कई बार सपने भी वही मार्क्स के आ रहे होते हैं, बच्चों को पढ़ाने के आ रहे होते हैं, बंडल चेक करना, लिस्ट बनाना वगैरह वगैरह, बहुत सारी दिक्कतें होती है, लेकिन जॉब है तो दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मतलब यहाँ क्या कोर्ट आगे नहीं आएगा कि भाई एक ही पोस्ट पर एक वो बंदा जो फ्रेशर है, जो तैयारी कर रहा है, और एक बंदा जो स्कूल में ऑलरेडी पढ़ा रहा है, तो क्या अंतर नहीं है? अपने आप ही अंतर आ जाएगा। गेस्ट टीचर उस टेस्ट में इसलिए रह जाते हैं क्योंकि अपनी पूरी सेवा, पूरी ईमानदारी से वो अपनी सेवा दे रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल में, उन बच्चों को पढ़ा रहे हैं। लेकिन या तो ये हो सकता है कि भैया वहां छोड़ दिया जाए एकदम से, अगर सारे छोड़ेंगे तो दिक्कत आ सकती है, लेकिन यहां पर जो है कोर्ट को, पॉलिटिकल लीडर को समझना चाहिए मार्क्स देने वाली बात। दूसरी बात, भाई काफी सारे लोग कहते हैं कि यार बिना टेस्ट के नहीं हो सकता, गेस्ट टीचर में भी ऐसे लोग हैं जो सिर्फ मार्क्स को लेकर के वो मतलब ज्वाइनिंग हुई है, मानते हैं मार्क्स को लेकर के हुई है। एक काम हो सकता है दोस्तों, आपको अगर कोई सुझाव हो, कोई कमेंट हो तो जरूर रखना, आप भी उस चीज को लिखना, आप क्या हो सकता है, मेरी बात से कितना सहमत है वो भी लिखना, और इसे शेयर जरूर कर देना वीडियो को, क्योंकि टीजीटी की पोस्ट नहीं आई है तो इसमें कुछ होना चाहिए इस टाइप का जो मैं बता रहा हूँ। बिना टेस्ट के नहीं हो सकता, ठीक है आपकी बात मान ली, तो ऐसे हो सकता है कि भैया गेस्ट टीचर जितने भी हैं उन्हीं का एक टेस्ट ले लिया जाए, कॉमन वैकेंसी रख लो, जितनी वैकेंसी आए ना टू पार्ट में डिवाइड कर लो, अगर 10,000 आए तो 5,000 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, 2,000 आए तो 1,000 कर लो, एक टेस्ट सिर्फ गेस्ट टीचर का लिया जाए जिसमें गेस्ट टीचर्स को उसी टाइप का टेस्ट दे दिया जाए। भैया ये तो क्लियर है कि फ्रेशर वाला और एक गेस्ट टीचर दोनों इक्वल नहीं हो सकते, वो इक्वल तैयारी कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि उनको टाइम नहीं मिलता है, ठीक है, ये बात 100% श्योर है, क्योंकि मैं अपना बेस्ट देता हूँ, 101% देता हूँ स्कूल में, तो यहाँ जो है कहीं ना कहीं डामाडोल हो जाती है बात। आप जो है सब्जेक्ट, भैया एक्सपीरियंस भी तो मायने रखता है ना, प्राइवेट स्कूल में देखो, प्राइवेट सेक्टर में देखो, जॉब में देखो, एक्सपीरियंस के लिए अलग से कॉलम होता है, भैया कौन सा एक्सपीरियंस आपको, कितने साल का है, तो जब एक्सपीरियंस की कोई वैल्यू ही नहीं है तो एक्सपीरियंस को ये लोग मांगते क्यों है? कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस की वैल्यू है, बल्कि एक्सपीरियंस की बहुत बड़ी वैल्यू है, और एक्सपीरियंस ज्यादा काम करता है, नॉलेज उसके बाद अपने आप बढ़ती रहती है, जैसे एक्सपीरियंस होता है। गेस्ट टीचर में काम करने का लोगों को 5 साल से 8-10 साल का एक्सपीरियंस है, 5 और 8-10 साल का वो एक्सपीरियंस लेके बैठे हुए हैं, वो बहुत अच्छे से मैनेज कर पाते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ा लेते हैं, रिजल्ट अच्छा आ गया है, देख सकते हैं सिसोदिया जी बार बार डंका बजाते रहते हैं, तो ये काम जब वहां हो सकता है तो वो एक साथ इधर दोनों तैयारी नहीं कर सकते। अगर आपको टेस्ट लेना है तो गेस्ट टीचर का ही एक टेस्ट ले लें, नॉर्मल जो फ्रेशर हैं उनके लिए 40% मार्क्स चाहिए होते पास मार्किंग के लिए, मैं तो कहता हूँ गेस्ट टीचर के लिए 50% रख लो, लेकिन सब्जेक्ट का पूछो, जिस सब्जेक्ट का वो गेस्ट टीचर है उस सब्जेक्ट का उसे पूछ लिया जाए। भैया ऐसे में ये भी ना हो कि इनको कुछ नहीं आता तो इसलिए लगे, भैया टेस्ट बहुत जरूरी है, और बिना नॉलेज के मैं ये मानता हूँ कि अगर नॉलेज ही नहीं है लगे हुए हैं तो इस तरह से बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है और हम बर्बाद कर रहे हैं, अगर हमें कुछ नहीं आता है फिर भी हम लगे हैं, तो गेस्ट टीचर का एक सिर्फ सब्जेक्टिव टेस्ट ले लिया जाए और उसमें 50% मान लो आप कि भैया जितना भी टेस्ट है उसका 50% आपको क्लियर करना है, और मैं नहीं मानता हूँ कि भाई गेस्ट टीचर 50% क्लियर नहीं कर पाए क्योंकि सब्जेक्ट का ही है और वो उनको करना भी चाहिए, क्योंकि अगर उसी चीज़ को पढ़ा रहे हैं हम तो वो चीज़ हमें आनी भी चाहिए तभी हम बच्चों को वो दे पाएंगे। तो यहाँ पर गेस्ट टीचर का इस तरह से टेस्ट हो सकता है, और जो फ्रेशर है उनका दूसरे तरह से जैसे टेस्ट लेना है वो ले लें, क्योंकि गेस्ट टीचर और फ्रेशर दोनों को एक जैसा टेस्ट कहीं ना कहीं अधिकारों का उल्लंघन है, इस बात को समझ सकते हैं, ये कोर्ट में भी हम दावा कर सकते हैं कि एक ही टेस्ट के लिए जो अपनी सेवा दे रहा है और एक फ्रेशर है, तो दोनों में अंतर है। जहां वो एज रिलैक्सेशन को लेकर के एग्री हुए हैं, उन्होंने रखी है बात, वहीं पर वो मार्क्स को लेकर के भी एग्री हो सकते हैं और कहीं ना कहीं पॉलिसी बन सकती है, एक टेस्ट कॉमन टेस्ट इस तरह से गेस्ट टीचर का ले लिया जाएगा जिसमें कि गेस्ट टीचर्स भी सेटिस्फाई होंगे कि हाँ हमने टेस्ट दिया था, और उसके लिए गेस्ट टीचर तैयारी कर लेंगे तो वो उनका भी एक तरह से टेस्ट हो जाएगा।
बाकी सारे तो फॉलो किए हुए हैं, कैटेगरी वाइज किए आ रहा है, रूल के सारे रूल क्वालिफिकेशन सारी क्लियर है, सीटेट है, पता नहीं कितनी बार तो सीटेट हो गया है, 2-3 बार तो मेरा ही हो गया है, तो ये सारी चीजें क्लियर हैं। तो डिपार्टमेंट तक इस बात को पहुंचाएं आप, आगे पॉलिटिकल लीडर तक पहुंचाएं, क्योंकि टीजीटी की भर्ती भी आने वाली है, उसमें भी इस प्रावधान को रखा जाए और पीजीटी में भी इस चीज को समझा जाए। तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें वीडियो को, और आगे अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।